Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope आप लोग काफी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी काफी अच्छी चल रही होगी. मेरा नाम है दीपक और वेलकम टू माई चैनल अचीवर सब. आई होप आप लोग मेरे रेगुलरली वीडियोस देख रहे होंगे. मैं रेगुलरली ट्रेडिंग और बिजनेसेस के कंटेंट डालता हूं, बट ये कंटेंट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. ये एक डे व्लॉग है जिसमें मैं पूरे डेज में क्या क्या एक्टिविटीज करता हूँ ये सारी चीज शेयर करने वाला हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग. सो गाइस अभी सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं, ठीक है. एंड जब मॉर्निंग सेशन रहता है मोस्टली जिम का ही रहता है. मैं लगभग वीक में 6 दिन जिम जाता हूँ. एंड उसके साथ साथ ऐसा जरूरी नहीं होता कि सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के ही जिम जाओ. मैं तो मोस्टली 7-8 बजे तक ही जिम जाता हूँ. इस टाइम 2 बेनिफिट होते हैं. एक तो मेरी नींद भी पूरी हो जाती है, दूसरा जिम भी खाली हो जाता है, तो आराम से मैं जिम कर लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ. एंड अभी फिलहाल लगभग मेरे घर से जिम लगभग 12 किलोमीटर है, तो फिलहाल मेरे को लगभग 15 से 20 मिनट उसमें भी लगता है. और वही रेगुलर मॉर्निंग सेशन के बाद, जिम के बाद मैं मील वगैरह लेके अपने दूसरे काम वर्क करता हूँ. और मॉर्निंग में जिम जाने का एक और रीज़न है क्योंकि जो एशियन सेशन होता है बहुत काफ़ी बोरिंग होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मूव नहीं आते हैं. और मैं मोस्टली सबसे ज़्यादा लंदन सेशन ट्रेड करता हूँ बिकॉज वो जो मूव होता है वन साइडेड होता है. इधर द मार्केट विल बी बुलिश और द बेयरिश, तो उसमें मेरे को ये बेनिफिट मिलता है कि इजीली ट्रेड प्लेस कर दो. और अंटिल एंड अनलेस न्यू सेशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक मैं वेट करता हूँ अपने प्रॉफिट बुकिंग का, बिकॉज उसके बाद ही फिर दूसरे डायरेक्शन में मूव आता है. तो शाम को जिम नहीं जाता हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ न्यूज़ेस में रहते हैं, कभी कभी न्यूज़ भी ट्रेड करता हूँ मैं. बहुत कमी न्यूज़ ट्रेड करता हूँ. शाम को न्यूयॉर्क में भी कभी कभी अच्छा मूव आ जाता है, तो वो भी मैं उसके फायदे उठा लेता हूँ. तो दैट्स व्हाई मैं मॉर्निंग में जिम जाता हूँ. बाकी आप अपने हिसाब से जिम जा सकते हैं और जाओ जिम. Bench on Jim Jao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. फिलहाल जिम सेशन खत्म हो चुका है और अभी लगभग 11 बज चुके हैं. और अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हेयर कट करवाने की, थोड़ा हेयर मेरे बाल थोड़े इधर उधर हो गए तो थोड़े सेट करवाने की. उसके बाद लगभग 12 बज चुके होंगे और 12 बजे से फिर हम लोग अपने काम पे लग जाएंगे, यानी कि मेरा फेवरेट सेशन यानी कि लंदन सेशन में हम लोग ट्रेड करने बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे मार्केट की मूवमेंट्स और सारी चीज़ें. और बाकी भी एनालाइज करने के बाद आपको अगर कोई अच्छी ट्रेड मिली तो ट्रेड प्लेस करेंगे. You can have this color on your ball. Which one? This one. Okay. Blonde? Yes, blonde. Blonde color. Blondie? Yes, blonde. Oh my god. So guys, we are done with the haircuts. And abhi shower wagera sab le liya hai. Ab lagbhag 12 baj chuke hai, 12:30 ho chuke hai. Ab time hai kaam start karne ka, focus karne ka aur non-stop 6 ghanta lagbhag humko London session create karna hai. Let's see. कोई कौन सी हम ट्रेड लेते हैं और क्या हम प्रॉफिटेबल होते हैं कि नहीं. सो वी आर रेडी फॉर द ट्रेडिंग सेशन. एंड मैंने रोज की तरह हनुमान चालीसा पढ़ी. मैं रोज पढ़ता हूँ, बहुत टाइम हो गया मेरे को पढ़ते हुए. बिकॉज एक बिलीव होना चाहिए सभी को दैट कि सब सही होगा. एंड क्योंकि देखो इतना रिस्की काम करना है, ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है, ठीक है. अगर आप इन्वेस्टमेंट में है तो ठीक है,
बाकी ट्रेडिंग पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा बिलीव रखना चाहिए आपको जो भी आप भगवान में मानते हैं। मैं यूजुअली रेगुलरली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन का भी मैं आंसर करने वाला हूँ जो रेगुलरली मुझे इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं। दैट की सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो वाई आई यूज फंडेड, ठीक है, फंडेड भी मैं क्यों यूज करता हूँ, रेगुलर अपने फंड्स पे भी ट्रेड करता हूँ, एल्गोस भी क्यों यूज करता हूँ और कौन सी कंपनी का यूज करता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेजॉरिटी जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास जो मैक्सिमम फंड रहता है 5,000 से 50,000 तक का रहता है, और जो एवरेज जो फंड देखा गया तो 10,000 से 15,000 रुपए का आता है बंदा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और ये फंड जो ऐसा फंड रहता है अगर आप उस पर कैपिटलाइजेशन करोगे, लाइक आप $100 से ट्रेड कर रहे हो तो हर महीने अगर आप सोच रहे हो 5 या 10% की बनाने की, तो $5 से $10 में कुछ नहीं होने वाला है आपका। और इस होप को आप फिर क्या करते हो, यार ये तो नहीं, आप डबल करते, फ्लिप करते अकाउंट, तो $100 को आप जब $200 ट्राई करने के ट्राई करते हो, $300 करने के ट्राई करते हो, तो कुछ कुछ ट्राइज में वो हो जाएगा, कभी कभी ये होता है कि आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाता है, फिर आप कहीं से 10,000 रुपए लेके आते हो और ये एक्टिविटीज चलती रहती है और आपके पास ऐसे करते करते आप 1 लाख 2 लाख लॉस कर देते हो मार्केट में। बट अब अगर आप 10,000 या 20,000 रुपए एक फंडेड अकाउंट ले लेते हो, लाइक एग्जाम्पल आपने $25,000 का अकाउंट ले लिया, अब उस पर आप कैपिटलाइजेशन कर रहे हो दो भी उसके फेस क्लियर करके, तो वहां पर आपको ये बेनिफिट मिलता है जब आप 10% 20% बना रहे हो वहां पर उस फंडेड अकाउंट का, तब वो जो आपको प्रॉफिट मिलते हैं काफी बढ़िया प्रॉफिट मिलते हैं, तब आपको वो दिखते हैं, ठीक है। वही है कि लेकिन आपको जो फेजेस रहते हैं वो क्लियर करने होते हैं, लाइक जैसे कि किसी में 2 फेज रहते हैं, किसी में 3 फेज रहते हैं। एंड आई अभी फिलहाल मैं fundedpro.in का यूज कर रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो रेगुलरली मुझसे पूछा जाता है, दैट व्हाई आर ट्रेड द लंडन सेशन और यूरो यूएसडी मैं ज्यादा क्यों ट्रेड करता हूँ, ठीक है। देखो इसका सिंपल आंसर है, जो लंडन सेशन होता है मैं उसको काफी बारीकी सी समझ चुका हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली लंडन सेशन में बैठता था, मैं मेरी टीम हम लोग जितने भी लोग ट्रेड करते थे, मेरे दोस्त भी थे उसमें, तो हम लोग मोस्टली लंडन सेशन में ट्रेड करने बैठते थे 12 साढ़े 12। तो जैसे कि लाइक आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट कैसे मूव करता है वो काफी नजदीकी से मुझे समझ में आ गया, ठीक है। सेकेंड, वाई यूरो एसडी, गोल्ड पे ज्यादा ट्रेड क्यों नहीं करता, मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ। देखो चार्ट्स में मल्टीपल ऑप्शन आपके पास, यू कैन ट्रेड US 30, आप सिल्वर ट्रेड कर सकते हो, आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसे बनाने वाले गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो रेगुलरली, लेकिन क्या होता है कि चीजें कहाँ आपको ईजी पड़ती है, ठीक है। लाइक मैं अगर बात करूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे लोग सिर्फ निफ्टी ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ फिन निफ्टी ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। वैसे यहाँ पर भी मेरे को यूरो एसडी ईजी लगता है ट्रेड करने के लिए, मेरे को वहां पर ये बेनिफिट है, ये कॉन्फिडेंस है कि मैं वहां पर रेगुलरली रोज प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं, और रोज जो मेरा जो मनी मैनेजमेंट है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, मैं फॉलो कर रहा हूं यूरो यूएसडी में, दैट्स व्हाई आई ट्रेड यूरो यूएसडी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई यू क्विट इंडियन मार्केट, मैंने इंडियन मार्केट क्विट नहीं किया है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं इंडियन मार्केट में, मैं होल्डिंग्स लेके रखे मैंने, बट मैंने क्विट किया है ओनली ऑप्शंस, क्यों, मैंने एक रीजन में बताता हूं आपको, जो ऑप्शंस में ना ऑप्शंस को बुरा बोल रहा हूँ ना कुछ बोल रहा हूँ, लाइक मेरे को वहां पर क्या होता है, किसी किसी का लाइक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, मेरी उतनी नहीं है, मैं सेकंड्स में मतलब डिसीजन नहीं ले पाता, तो दैट्स व्हाई जिसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एकदम स्ट्रांग होती है, लाइक जिसमें ऑप्शन बायर है तो उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो सेकंड्स में उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मेरा 1,000 रुपए का लॉस चल रहा है मुझे काटना है, 500 का लॉस चल रहा है मुझे काटना है, तो वो एबिलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप तब आप ऑप्शन में उतरो और ऑप्शन में मिनिमम 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लो, फिर आप अपने अच्छे फंड से उतरो, ठीक है। और क्योंकि ऑप्शंस में आपके पास कोई प्रॉफ फंड नहीं रहता कि आपको कोई फंड दे रहा है ट्रेड करने के लिए, तो आप अपना कैपिटल सेव कर रहे हो, आपका बैंक बैलेंस सेव कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, दैट्स व्हाई पीपल लूज अ बंच ऑफ मनी ओवर देयर, ठीक है। और एक लास्ट, हाउ कैन आई स्टार्ट फॉरेक्स, देखो फॉरेक्स का सिंपल एक सिंपल वे में अगर आप, मैंने खुद अगर पर्सनली बात करूँ फॉरेक्स सीखने के, मैंने 1.5 से 2 लाख रुपए खुद खर्च किए, मल्टीपल कोर्सेस लिए, मल्टीपल लर्निंग्स ली, मल्टीपल मेंटर्स भी ढूंढे, ठीक है। तो सबका सम मिला के हम लोगों ने, मैं और मेरी टीम ने सिर्फ 99 रुपीज में एक पर्टिकुलर कोर्स डिजाइन किया, जिसमें सारी चीजें फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कंप्लीट प्राइस एक्शन कंप्लीट SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूड किया, प्लस एक मेरी पर्टिकुलर स्पेशली स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता हूँ काफी लंबे टाइम, 1 साल से, जो मेरे को प्रॉफिटेबल बनाया जिसने, दैट इज SCH, जिसका मैं अगर इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में देखोगे रेगुलरली मैं उसकी वीडियोज या फिर उसके टेस्टिमनी डालते भी रहता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो। सो गाइस, यूरो एसडी काफी बुलिश था लास्ट 3 दिन से,
यूएसडी का ट्रेड चल रही फिलहाल, तो लंदन सेशन काफी सक्सेसफुल ट्रेड किया हम लोगों ने, एंड उसके बाद बॉयज टाइम चल रहा था थोड़ा पत्ते शत्ते खेल रहे थे, और थोड़ा बिजनेस स्टॉक भी हो, इसके बाद मैं वीडियो भी ऐड कर दूंगा वो बिजनेस स्टॉक की। बिजनेस स्टॉक तो कहीं नहीं थी जो भी था काफी इंटरेस्टिंग था। अभी फिलहाल कौन जीत रहा है वैसे? इंटरेस्टिंग नहीं थी वो, बकचोदी थी, और मैं जीत चुका हूं। हां पाजी जीत चुके। चलो लौंडे दोनों जीत गए। हां भाई चलो लौंडे बोल के और कसम बोल ले रहा है यहां पे। चलो गाइस, यूएसडी में जो ट्रेड ली थी इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे, और वो टारगेट फिलहाल हिट हो चुका है। एज यू कैन सी आज का टारगेट हो चुका है, लंदन सेशन की जो ट्रेड वो डन हो चुकी है। अब देखते हैं न्यूयॉर्क सेशन में कोई ट्रेड मिलती है कि नहीं। सो गाइस, ट्रेडिंग सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारे सारे ट्रेडर फ्रेंड जा चुके हैं अपने घर, सबके टारगेट हिट हो चुके हैं। एंड फिलहाल अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है, राधा कृष्ण मंदिर, एंड उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूंगा, लाइक जो मेरी मार्केटिंग एजेंसी है उसके थोड़े बहुत काम, जो मीटिंग्स है, और जो रेगुलरली कभी कभी हम लोग डिस्कॉर्ड में सेशन भी करते हैं मेरी टीम के साथ, लाइक नेक्स्ट डे की एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज़ जो भी एक्टिविटीज़ है वो मैं आके करने वाला हूँ, और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या करता हूँ। एंड चलो कराता हूँ मैं आपको दर्शन कृष्ण भगवान के। इस मंदिर से आ गया हूँ मैं फिलहाल, अभी मैं मील प्रिपेयर करूंगा, अभी मैं बनाने वाला हूँ सोयाबीन एंड पनीर फॉर माय नाइट मील, एंड उसके बाद फिर अपन काम पे लगेंगे और थोड़ी बहुत मार्केट की एनालिसिस करेंगे कल भी क्या होगा। सो गाइस, मील तो रेडी हो गई, तो मील खाते खाते थोड़ी काम की बात कर ली जाए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, लाइक 2019 से मैंने पैसे बनाने चालू कर दिए थे इंटरनेट से। शुरू में मैंने जो बहुत सारी चीज़ें सेल करी थी ऑटोमेशन पे, फेसबुक एड्स के पे, फेसबुक एड पे अभी तक मेरी कमाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। इनिशियल जो कैपिटल मैंने ट्रेडिंग के लिए, फंडेड अकाउंट्स के लिए, वो सारी चीज़ फेसबुक एड से ही कलेक्ट करी थी। फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, मल्टीपल लीड जनरेशन, ये सारी चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं फेसबुक एड्स को लगभग 1.5 से 2 घंटा देता हूँ, 1 घंटा मैक्सिमम दे देता हूँ, 2 घंटा मतलब इतना नहीं जाता, इतना देता हूँ, अपना रात का टाइम देता हूँ, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ तो इसमें मेरे को टाइम लगा था, लगभग 1 साल बाद मैंने पैसे बनाने स्टार्ट किए थे, तो अच्छे पैसे, और छोटी मोटी इनकम तो मैं ऑलरेडी बना रहा था,
फेसबुक ऐड में भी टाइम लगा, हर चीज़ में टाइम लगता है, ट्रेडिंग में भी टाइम लगता है। और ट्रेडिंग का जो कंप्लीट सेटअप है, मैं अभी इसके बाद एक वीडियो ऐड कर दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि मैं ट्रेडिंग एक्चुअल में कौन सा सेटअप यूज़ करता हूँ, पीछे वाली स्क्रीन कब यूज़ करता हूँ, लैपटॉप्स वगैरह कब यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इनिशियली फेसबुक ऐड्स में भी थोड़ा टाइम लगा, ट्रेडिंग में भी टाइम लगता है चीज़ों को सीखने समझने में, और जब आप सीख समझ जाते हो तो उसको फिर बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत बार फेलियर्स आते हैं, ऐसा नहीं एड्स भी चलती है तो एड्स बहुत बार रिजेक्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और एड्स को मैंने लगभग ऑटोमेट कर रखा है, क्योंकि एड्स का ऐसा काम रहता है, रात में फंड्स ऐड कर दो या दिन में फंड ऐड कर दो, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर दो, तो एक बार मेहनत करनी होती है एड्स में, एड्स वगैरह चलते रहती है। दिस इज माई ट्रेडिंग सेटअप, इसमें मैं ट्रेड करता हूँ। दिस इज दिस स्क्रीन आई यूज फॉर द MT5 पैनल, अभी तो मैंने बंद कर दिया है, रात हो गई तो मैं रात में मोस्टली ट्रेड नहीं करता हूँ, जो भी काम रहते हैं मैं लैपटॉप में कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज अराउंड 16 GB का एक CPU है, सिंपल है, इसमें गेमिंग CPU नहीं है ये, फिलहाल जस्ट मैं ट्रेडिंग काफ़ी ठीक ठाक हो जाती है इसमें, 16 GB का आई थिंक रैम है इसमें, 500 GB की स्टोरेज है, एंड कुछ ठीक ठाक प्रोसेसर, आई डोंट रिमेम्बर द प्रोसेसर, ठीक है, यहाँ ट्रेड करता हूँ फिलहाल। और बाकी जो भी मैं काम रहते हैं वो मेजरली इस पे कर लेता हूँ, एड्स वगैरह के थोड़े बहुत, क्योंकि मेरी एड एजेंसी भी है, तो मल्टीपल अकाउंट्स वगैरह, क्योंकि इसको मैं लेके चलता हूँ अपने पास, तो मेरे को थोड़ा कंफर्ट रहता है, बिकॉज इसको तो लेके नहीं जा सकते हर जगह, ठीक है। और थोड़े बहुत ये योगा 360 भी मेरी हेल्प कर देता है लाइक चार्ट्स वगैरह के लिए, ये भी थोड़ा पोर्टेबल है लैपटॉप, सॉरी ये भी थोड़ा काम की चीज़ है। And this is the most loved thing in my room. बहुत पसंद करता हूँ एलेक्सा को, बस बहुत काम की चीज़ है। हाँ, डमी पोजिशन, ठीक है, ओके। तो ये फिलहाल मैं इस पर ज़्यादातर काम करता हूँ, इस पर समटाइम्स, एंड द मेजर लंडन सेशन मैं इसके सामने रहता हूँ, लगभग 12 से 6 बजे तक के बीच इसमें सामने रहता हूँ, बिकॉज फिर मेरे को इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट आता है स्क्रीन पे। एंड ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में आप जितने भी लोग हो, थोड़ा टाइम लग रहा है, चीज़ें थोड़ी शायद आपके फेवर में ना हो, फंड्स नहीं है, सारी चीज़, ये सारा फेज एक टाइम तक रहेगा, थोड़ी मेहनत करते रहो, कंटिन्यूस लगे रहो, ये आपको चीज़ें बहुत ही बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद कि सारे काम निपटाने के बाद आधे घंटे काम निपट, थोड़ी बहुत पंचिंग बैग में पंचिंग होगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो ये रहता है मेरा कंप्लीट सेशन, थोड़ा मेरा जो अल्टीमेट गोल रहता है वो हेल्थ प्लस वेल्थ का रहता है, लाइक ऐसा मैं मोस्टली मेजर एक्टिविटी करता हूँ जो मेरे को पैसे जनरेट करके दे, और दूसरी मेरी हेल्थ मेंटेन रहे, ठीक है। हेल्थ मेंटेन जैसे ना एक प्रॉपर फिजिक, एक अच्छी फिजिक, हर लड़कों का एक गोल होता है, तो मे बी शायद आप लोग जितने ऑडियंस का भी देख रहे हो, सभी लोग एक अच्छी फिजिक होने का गोल है, मेरा भी वो गोल है, एक अच्छी हेल्थ वेल्थ दोनों पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। शुरू से लास्ट अराउंड 2 या 3 साल से मैं एकदम फोकस जो चीज़ों के लेके, ठीक है, लेट्स सी और कितनी ग्रोथ मिलती है। अभी यूट्यूब पे तो फिलहाल उतनी खासी नहीं है, 3,500 को सब्सक्राइबर है, रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो मेरी थोड़ी हेल्प होगी, एंड अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा आप लोग को तो प्लीज़ शेयर इट, एंड उसके साथ साथ आप प्रमोट करो व्हाट्सएप में, आप इंस्टाग्राम पे जिसको दोस्तों को शेयर करना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।